ये फ्लफी सॉफ्ट और बहुत ही टेस्टी कपकेक्स जब मैंने बनाए तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि ये बिना अंडे और बटर के बने हैं। आज के वीडियो में मैं आपके साथ प्लेन वनीला कपकेक्स की रेसिपी शेयर कर रही हूँ बिना अंडे या ओवन के। इस रेसिपी के सिंपल स्टेप्स को फॉलो करने से आप घर पे आसानी से ये सॉफ्ट फ्लफी और बहुत ही टेस्टी एगलेस वनीला कपकेक्स बना सकते हैं। तो चलिए इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। एगलेस वनीला कपकेक्स बनाने के लिए हमें चाहिए मैदा 3/4 कप, दही 1/2 कप, चीनी 6 टेबलस्पून्स, बेकिंग सोडा 1/4 टीस्पून, वनीला एसेंस 1 टीस्पून और ऑयल 1/4 कप। आप कोई भी बिना खुशबू वाला ऑयल यूज कर सकते हैं। सभी डिटेल्ड इंग्रेडिएंट्स की जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए। सबसे पहले हम बेकिंग सोडा लेंगे और दही में डालकर उसे अच्छे से मिला लेंगे। दही और बेकिंग सोडा को अच्छे से मिलाने के बाद इसको ऐसे ही थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने छोड़ देंगे। अब हम लेंगे एक डीप पैन या कढ़ाई और उसमें इस तरह का एक रिंग रख देंगे। अगर आपके पास रिंग नहीं है तो आप कोई भी एक छोटी सी कटोरी ले लीजिए और इसके ढक्कन को ढक कर 10 मिनट के लिए प्री हीट होने देंगे। जब तक कढ़ाई प्री हीट हो रही है, चलिए हम केक का बैटर तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले हम एक बॉल लेंगे और सभी वेट इंग्रेडिएंट्स को कंबाइन कर लेंगे। बॉल में हम डालेंगे चीनी और तेल। एक विस्कर की मदद से चीनी और ऑयल को विस्क कर लेंगे। अच्छे से विस्क करेंगे जब तक चीनी डिसॉल्व ना हो जाए। चीनी हमारी हो चुकी है, अब हम इसमें डालेंगे दही। दही आपको फटाफटा लगेगा, बिल्कुल घबराइएगा नहीं, हमें दही बिल्कुल इसी तरह बबली कंसिस्टेंसी में चाहिए। बेकिंग सोडा एक लेवनिंग एजेंट होता है और दही एसिडिक इंग्रेडिएंट। जब बेकिंग सोडा दही में मिलता है तो रिएक्ट करता है। अब हम डालेंगे वनीला एक्सट्रैक्ट और सभी वेट इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से कंबाइन कर लेंगे। सभी वेट इंग्रेडिएंट्स अच्छे से कंबाइन हो चुके हैं। अब हम सभी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को वेट इंग्रेडिएंट्स के साथ मिला लेंगे। उसके लिए मैं यहाँ एक छन्नी ले रही हूँ, उसमें डालेंगे मैदा और बेकिंग सोडा। दोनों इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से छान लेंगे, फिर सभी ड्राई और वेट इंग्रेडिएंट्स को मिला लेंगे। अच्छे से मिक्स कीजिएगा, ध्यान रहे कि उसमें कोई लम्प्स ना हो। ये देखिए सिल्की स्मूथ केक बैटर बिल्कुल तैयार है। चलिए अब हम कपकेक्स के मोल्ड्स फिल कर लेंगे। अब हम कपकेक के मोल्ड्स में कपकेक लाइनर्स रख लेंगे, फिर हम उसमें बैटर को फिल करेंगे। बस आधे ही फिल करना है क्योंकि हमारे कपकेक्स रेज होंगे। ये देखिए ये सारे कपकेक्स बिल्कुल तैयार हैं बेक होने के लिए। कढ़ाई में डालने से पहले हल्के हाथों से एक टैप कर देंगे ताकि कोई भी एयर बबल हो तो वो निकल जाए और बैटर अच्छे से सेट हो जाए। कढ़ाई गर्म हो चुकी है, अब हम बड़े ही आराम से कपकेक के मोल्ड को कढ़ाई के बीचों बीच उस रिंग पर प्लेस कर देंगे। ध्यान दीजिएगा कढ़ाई बहुत ही गर्म होती है, ढक्कन को बंद करके बिल्कुल लो फ्लेम में बेक करेंगे 30 मिनट्स के लिए। 25 to 26 मिनट्स के बाद आप एक बार चेक कर लीजिए। कोई भी स्क्रूवर या टूथपिक डालकर अगर टूथपिक साफ बाहर निकले तो कपकेक्स तैयार हैं। अगर नहीं तो आप और 5 मिनट के लिए बेक होने दीजिए। 30 मिनट्स के बाद हमारे कपकेक्स बनकर बिल्कुल तैयार हैं। क्यों था ना एगलेस कपकेक्स बनाना कितना आसान। आप भी इस रेसिपी को ट्राई जरूर कीजिए और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि हमारे आने वाले सभी रेसिपीज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जल्द ही मिलेंगे अगली रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।